एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आज का ब्लॉग तुम देख सकते हो, हम आए हो कहाँ पे, ये मेरे पीछे ये देख सकते हो, यहाँ पर बन रहा है हमारा चिकन और ये मेरे पूरे दोस्त लोग। तो समझ गए होंगे कि आज होने वाली हमारी जम के पार्टी। और यहाँ देख सकते हो पूरी नदी, और ये नदी आते हैं, इनको खास खाना बनाने के लिए लाया गया है। यहाँ पर हमने लाया था आज बनाने के लिए चिकन, और जो कि हमारे करण भाई है अभी वो आटा गूंध रहे हैं, इससे बनाएंगे हम चपाती। कुछ आता नहीं बोल के इनको, इसलिए यहाँ पर सुकून से बहुत अच्छी नदी है। और ये ऊपर जो ब्रिज है, यहाँ से सब गांव है, इधर एक गांव से लोग आते जाते हैं। हम यहाँ पे पार्टी करने के लिए आए थे, क्योंकि आज गाइस संडे था, संडे के लिए हम यहाँ पे पार्टी करने आए थे। चल रहे बट मच्छी आएंगी या नहीं आएंगी उसका तो कोई भरोसा नहीं, पर हम पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से पकड़ने के लिए। तो गाइस ऊपर, और गाइस बहुत मज़ा आ रहा है खुले जंगल में आज पार्टी करने। आज संडे था, संडे को चलो बोले पार्टी करेंगे आज तो सब दोस्त लोग के साथ पार्टी करने। बट ये हमारे मामा जी खाना बनाते हुए गॉगल पहन के। अब तुम बोलते होंगे इन्होंने गॉगल क्यों लगाया, तो जो गाइस इसका धुआं है क्या, इनकी आंखों को नहीं लगना बोल के इन्होंने खास स्पेल सेफ्टी के लिए गॉगल लगाया है। अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से कि आप देख सकते हो पूरा नेचुरल वातावरण है, बाजू में इतनी सारी नदी है, मच्छी पकड़ रहे है, पार्टी कर रहे है। यहाँ पे पप्पू मामा का जो गल था वो पूरा खराब हो गया है, और यहाँ पे सोनू हमारा गल बना रहा, लेकिन उसे गल में कुछ हो रहा नहीं। गाइस यहाँ पर जो हमारे दोस्त हैं वो रोटी दाल गोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई गोल हो रही नहीं है। गाइस ये आटा, आटे के हमने जो है तो ऐसे थोड़े थोड़े लूंडे कर दिए, लूंडे करके तो फाइनली अभी हमने शुरू कर दिया यहाँ पे रोटी डालने का। और ये हमारे देख सकते हो हमारे मामा के हाथ में जो रोटी दिखाई दे रही है वो कैसी है, गिलास ले, और इसमें थोड़ा तेल डाल, पहले तेल डाल, फिर फाइनली हमारी रोटी जा रही है सेकने के लिए, और ये रोटी को हम यहाँ पे सेकेंगे। तो गाइस जैसी बन रही है वैसे आप देखो, कमेंट में कुछ गलत मत बोलो। अबे चुटका लग रहा, ये देखो कोशिश तो बरोबर कर रहे हैं बेलने की, लेकिन थोड़ी थोड़ी, हाँ क्या बात है, राइट एकदम गोल, एकदम गोल आ गई, आ गई एकदम गोल आ गई। तो गाइस अभी खाना बन रहा है यहाँ पर, तुम देख सकते हो मेरे सामने अभी यहाँ पर जो है कि खाना बन रहा है, बीच में हमने प्याज डाल दिए है। प्याज डालने के बाद में जो कि जो बाकी का है यहाँ पर, एक एक धनिया है, बाकी का तो मुझे पता नहीं क्योंकि मुझे तो कुछ ही नहीं आता बनाने, अभी सीख रहा हूँ, दम दम से सीख जाऊँगा, सीखने के बाद में मैं भी बनाऊँगा खाना। हाँ एक नंबर जम गया। अब ये बारी अपन गोल राउंड में नहीं बनी, बट बनी जैसी बनी बहुत बढ़िया बनी, क्योंकि अभी जो हमारे बना पेस्ट, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया, और इसको हम थोड़ा हिलाएंगे अच्छे से। इसमें ऐड करेंगे हम नींबू और टमाटे, दोनों को हम ऐड करके फिर इसको अच्छे से एक बार हिलाएंगे। फिर हिलाने के बाद हम इसमें मसाला ऐड कर रहे हैं गाइस, यानी मसाले में क्या है वो मुझे पता नहीं है, बट जो भी है वो बहुत सही है। वाह सेंट तो बहुत सही। वाह फाइनली हमारा चिकन बन के रेडी हो चुका है गाइस, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है इसकी कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है अभी खा लूँ। पर इसको हम थोड़ा और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, और फिर इसके ऊपर थोड़ा इसको और पकने के लिए थोड़े छोड़ देंगे हम। रोटी देख सकते हो कितनी ज़्यादा गोल बेल दिया मेरे दोस्त ने, ये देख सकते हो सोनू एकदम राउंड वाली। अरे वाह पूरी राउंड वाली, पूरी राउंड वाली रोटी खाएंगे हम ये हाथ में। ये एक हो गई फाइनल कंप्लीट रोटी, मैं बना किससे बताऊंगा कैसी हमारी रोटी, एकदम नंबर एक। वाह दूसरी, और फिर ये वही जंगल है अफ्रीका का जहाँ पे बड़े बड़े अजीब से जानवर पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, ये गरीबी का जंगल है, यहाँ पर कुत्ते भी नहीं होते ज्यादा घर के। और ये नदी है, ये नदी जो दिखाई दे रही है, नदी में पकड़ने आए हम मच्छी, लेकिन मच्छी तो नहीं पकड़े गए हमने अभी तक, बट हमारा हालत पूरा ख़राब हो गया धूप से, पसीने से, और ये सूरज भी अच्छा चमक रहा है आज मेरे मुंह पे। तो ये गॉगल मैंने लगा लिया है, क्योंकि जो मेरे सामने देख रहे हो ये सनरोफ पूरा आँखी में आ रहा है, तो गाइस मेरे आँखें से धीमे से हो जा रहे हैं, तो मैंने इसलिए सनग्लासेस लगा लिया है। अब अच्छे से मैं आपको बता सकूँ, ये देख सकते हो मेरा ब्लैक कलर का सनग्लासेस। और आपका भाई डे के दिन मैंने बोला चलो क्या करते, तो बोले मेरा चलो नदी में जाके मच्छी भी पकड़ लेते, थोड़ी ब्लॉगिंग भी कर लेते, पार्टी मना लेते। चलिए, और यहाँ पे दिखाई दे रही है सभी, और इसके पीछे मेरे दोस्त का एक खेत है। मुझे तो अभी लगी भूख, अभी हो रहा है टाइम 3 बज के गए, लेकिन मुझे इतनी जोर के भूख लगी गाइस कि क्या बोलना आपको रहा है। और जो हमारी जो रोटी थी वो एकदम गोल शेप में नहीं बना रही थी, अब जैसा हमको जमता है वैसे हम बना लेते हैं, थोड़ी क्रॉस हो गई, थोड़ी चांद टाइप हो गई, थोड़ा अंडे टाइप हो गई, जैसे हमको जम रहा है हम वैसा कोशिश कर रहे हैं बनाने की, क्योंकि गाइस जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं उसमें उन्होंने कभी खाना नहीं बनाया है, तो फर्स्ट टाइम खाना बनाया, तो इसलिए उनको थोड़ा जम रहा नहीं है कि कैसा बनाते गोल, तो भी हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की।
और यहाँ पे तो दो तीन दोस्त लोग हैं जो कि उनको मछली पकड़ने का बहुत शौक है, उनको तो मछली पकड़ने के लिए आए। और गाइस आज जैसे कि संडे था, संडे के दिन वैसे भी हम बहुत बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ी ब्लॉगिंग कर लेते हैं। तो मैंने बोला चलो यार कोई एक नदी वगैरह देख के, मेरे गाँव से लगभग 10-15 किलोमीटर पे ये जो नदी दिखाई दे रही है नदी है, तो यहाँ पर नदी में हम आ चुके हैं। तो गाइस फाइनली हमने एक मछली पकड़ ली है, यहाँ पर तुम देख सकते हो मेरे हाथ में ये मछली तो भी हमने फाइनली एक मछली हमारे हाथ को लगी है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, अभी कोशिश जारी है और दोबारा पकड़ने की। सकू कि हमने आज किया क्या। एंड गाइस पिछले टाइम से मैं बहुत लेट ब्लॉग अपलोड करने वाला हूँ आज, क्योंकि गाइस थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो गाइस मैं कोशिश करूँगा आपको डेली ब्लॉग दे। गाइस फाइनली यहाँ पर मेरे सब दोस्त लोग देख सकते हो तुम कि यहाँ पर नदी में उन्होंने अंदर चले गए नहाने के लिए, मैं आपको अच्छे से बताऊँगा सबको। यहाँ पर हमारे जो श्याम मामा है वो भी नहाने के लिए जा रहे हैं। तो गाइस देख सकते हो ये नदी, ये यहाँ पर देखो सब मेरे दोस्त लोग नहा रहे हैं, जूम करके बताऊँगा अच्छे से। ये मेरे पूरे दोस्त लोग यहाँ पर इंजॉय करते हुए, गाइस ऊपर ये पूल है और यहाँ पर मेरे दोस्त लोग। तो गाइस फाइनली सब लड़के लोग यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं पानी में। गाइस ये नदी बहुत गहरी है फिर भी ये लोग सुन नहीं रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो तुम कैसे मेरे पास आ रहे तीर के सब लोग मेरे। तो गाइस फाइनली मेरे दोस्त लोग पी चुके हैं, उनको लगी है जोरों से भूख, तो अभी वो बोले चलो खाना खाने के लिए। तो मैंने उनको अल्लाया अभी कि चलो भाई तीरना बाद में हो जाएगा, पहले खाना खाएंगे। गाइस जैसे कि देख सकते हो मेरे सामने सनरूफ दिख रहा है आपको, कितना मस्त लग रहा है ना, एक नंबर। तो गाइस जो है कि दी जाते हैं। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पर पूरा दिन भर से इस नदी में हूँ। तो गाइस मैं फाइनली मैं खुद नहीं नहा रहा हूँ, क्योंकि गाइस मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड और मैं ठंड में नहीं नहाना चाहता हूँ। तो और यहाँ पर जो हमारा एक दोस्त है वो पकड़ रहा है मछली, लेकिन अभी तक मछली आई नहीं है। तो गाइस चलो हम फाइनली हमारी जो बिरयानी है वो पक चुकी है, तो तुम देख सकते हो वाह क्या सेंट आ रहा है। तो गाइस हमें पकने के बाद में अच्छे से खाएंगे, खाते वक्त आपको मैं अच्छे से बताऊँगा। तो गाइस फाइनली जो एक घंटा हो चुका है हमारे को, मच्छी का जो गल डाल दिया था हमने, लेकिन उसको गल में मच्छी नहीं आ रही थी। और जो मछली पकड़ रहे हमारी जो ये मामाशी थी वो एक घंटे से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनके गल में कोई मच्छी आती ही नहीं है अभी तक। तो मैं देख रहा हूँ उनको एक घंटे से, ना कोई मच्छी आ रही है ना कोई कुछ हो रहा है, बस वो अपने हाथ में लकड़ी लिए एंड बस ट्राई कर रहे हैं। पर कोई बात ना, आएंगी जरूर आएंगी मच्छी। तो गाइस फाइनली इतनी जोरों से भूख लगी है, भूख लगने के बाद में मुझे खाना, तो गाइस मैं देख इतनी ज़्यादा भूख लगी है कि, और जो मेरे जो फ्रेंड लोग हैं तुम देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये करण है या नो सोनू है, इनको तीरने का इतना ज़्यादा शौक है कि वो अभी तीरने के लिए यहाँ पर गए हुए हैं। गाइस जो कि सनरूफ देख सकते हो यहाँ। तो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर इतने देर से गल डाल कर रखा था, लेकिन अभी तक एक भी मच्छी नहीं आई है। फिर हमने बोला चलो जाने दो, अब मछली का छोड़ देते हैं, अभी चलो हम खाना खाने चलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं जो मेरे मामा है तो वहाँ पे मच्छी पकड़ने के लिए एक घंटे से गल डाला, लेकिन अभी तक उनके गाल में कोई भी मच्छी नहीं आई। एंड गाइस फिर फाइनली मैंने बोला चलो अब मछली पकड़ना चलो छोड़ते हैं, क्योंकि अभी हमें घर भी जाना है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि हम सुबह यहाँ पे 10 बजे से आए हुए हैं। तो गाइस हमने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पर, तुम देख सकते हो पीछे मेरे नदी वगैरह, अब नदी में नहा चुके हैं, नदी में नहाने के बाद में और अब हम खाना खाएंगे। और खाना खाने के बाद में अपने ब्लॉग में कंटिन्यू रहे तो मैं ताकि आपको सबको बता सकूं कि हमने आज क्या बनाया था। चिकन बनाया था, बिरयानी बनाया था और इंजॉय किया। बाद में मच्छी का तो जो था शॉट, तो वो तो मच्छी तो हमारे गल में आई नहीं है, तो चलो नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे कि मच्छी मिल गई। बट मेरे एक दूसरे दोस्त ने जो गल डाला था उसमें एक मच्छी आई थी बड़ी मुश्किल से, वो मैंने आपको वीडियो में बताया था गाइस। तो चलो कोई बात